हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, ए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। सो इस वीडियो में हम नाउन क्लॉज के बचे हुए पोजीशन को भी कवर करेंगे। बचा हुआ तीन पोजीशन था, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, इन ए पोजीशन टू एन एंटीसीडेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब। तो इसमें हमने तीनों को कवर किया है विथ एक्सलेंट एग्जाम्पल्स, एंड होप कि आपको ये नाउन क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत स्कोरिंग है ये, और एक ना एक ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड में पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं इसे फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जाता है। इसके पहले एक वीडियो मैंने नाउन क्लॉज पर और बनाया हुआ है, जिसमें एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में बताया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे ओपन करके देख लीजिएगा, या फिर आपका कार्ड भी इसमें लगा होगा, एंड स्क्रीन लगा होगा, आप उसको खोल करके देख लीजिएगा। लेकिन दोनों को आप दोनों ही वीडियो ज़रूर से देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ओके, सो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं नाउन क्लॉज। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले वाले वीडियो में नाउन क्लॉज की दो पोजीशन, फर्स्ट एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड सेकंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये दो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके नेक्स्ट आगे से हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो अब हम लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए जो प्रीपोजिशन होता है, तो ये जो नाउन क्लॉज लगता है इसमें, इसके पास में कोई ना कोई प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पर दिया हुआ है पे अटेंशन टू इट। इट जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, इस इट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। व्हाट डज योर फादर से, अब आप देखिए इस इट के ठीक पहले एक प्रीपोजिशन है टू। इस टू से बिल्कुल भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, व्हाट डज योर फादर से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव में बना देंगे। डज के एस को हम से में लगा करके इसे क्या कर देंगे, सेज। ठीक है, व्हाट योर फादर से, ये हमारा क्लॉज हो जाएगा। डब्ल्यू एच ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, पे अटेंशन टू। ठीक है, पे अटेंशन टू, अब इसे एज नाउन क्लॉज लिख देंगे। व्हाट, एस इधर आ गया, योर फादर सीज, देन फुल स्टॉप। तो ये हमारा बन गया क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें पे अटेंशन टू ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और डब्ल्यू एस से शुरू होने वाला व्हाट योर फादर सीज ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। इसके ठीक पहले एक प्रीपोजिशन टू आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट होता है किसका, इस प्रीपोजिशन टू का, और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन दिस। एज यूजुअल हम दिस को हटाएंगे, और हम देख रहे हैं दिस के ठीक पहले भी एक प्रीपोजिशन ऑन है। तो नीचे व्हाट डज द, हाउ डज द मेडिसिन वर्क, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे।
हाउ डज, डज का एस हटाएंगे, वर्क में लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क्स। ये ऊपर आप यहीं पर क्वेश्चन में बना लें तो गलती होने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ तो क्या बनेगा, योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन हाउ द मेडिसिन वर्क्स। ओके, फुल स्टॉप। देन योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन, ये आपका मेन क्लॉज है। हाउ से शुरू हो रहा क्वेश्चन वर्ड से, हाउ द मेडिसिन वर्क्स, ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। कैसा नाउन क्लॉज है, ये जो नाउन क्लॉज है हाउ द मेडिसिन वर्क्स, इसके ठीक पहले ये प्रीपोजिशन है, तो ये इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। शी इज सेटिस्फाइड विद इट, वॉट डिड आई टेल हर। नाउ यहाँ पर इट को हटाएंगे, इट के ठीक पहले एक प्रीपोजिशन विथ है। What did I tell her? Did verb का second form है, तो यहाँ tell का second form आ जाएगा क्या, told, और did हट जाएगा। Then she is satisfied with what I told her, full stop, ठीक है। तो यहाँ she is satisfied with, यह आपका क्या हो गया है, principal clause, WS से what I told her, ये noun clause हुआ। noun clause किसका, इस preposition with का क्या है, object, और sentence कैसा बना हमारा, complex बना। नेक्स्ट, योर कैरियर डिपेंड्स ऑन दिस, ढेर सारे एग्जाम्पल है और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। योर कैरियर डिपेंड्स ऑन दिस, यहाँ हम दिस को रिमूव करेंगे। हाउ डू यू वर्क, डू हटेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज ए रहेगा, एज इट इज रहेगा, है ना। देन योर कैरियर डिपेंड्स on how you work। तो यहां देखिए, your career depends on, यह आपका main clause हो गया, और how you work, यह आपका subordinate clause या noun clause हुआ। noun clause के रूप में ये क्या काम कर रहा है, ये जो आपका प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। तो हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ही इज पनिश्ड फॉर दिस, व्हाट डिड ही डू, डिड, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा यहां पर, ठीक है। देन He is punished for okay? फिर यहां से this हटाएंगे, this के पहले for है, और दूसरा sentence WH जिसमें है, इज ए नाउन क्लॉज, यहां लिख देंगे what he did, ये इधर आ जाएगा, ये वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। देन आप देखिए, ही इज सेटिस्फाइड, ही वॉज पनिश्ड फॉर, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है। वॉट ही डिड, ये नाउन क्लॉज है, किसका नाउन क्लॉज है, क्या क्या काम कर रहा है, इस प्रीपोजिशन फॉर के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, थर्ड वाला। फोर्थ पोजीशन हम देखते हैं, अपोजिट क्लॉज, अपोजिट क्लॉज
तो सबसे पहले हम देख लें कि केस इन अपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आए और वो पहले वाले नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, कुछ बताए, तो दूसरा नाउन पहले नाउन के इन एपोजिशन होता है। इन एपोजिशन मतलब होता है समान अर्थी, समान अर्थ वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, नेहा द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास इज ए गुड गर्ल। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है नेहा, कौन सी नेहा भाई? हो सकता है क्लास में दो तीन नेहा हो, दो तीन लड़कियाँ ऐसी हो जिनका नाम नेहा हो। तो हम नेहा, किस नेहा की बात कर रहे हैं? उस नेहा की बात कर रहे हैं जो कि हमारी क्लास की क्या है, मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास ये भी नाउन है और ये नाउन नेहा की व्याख्या कर रहा है, नेहा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम किस नेहा की बात कर रहे हैं। तो कहलाता है द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास जो है ये नेहा का एपोजिशन है, एपोजिशन में है यानी कि समानार्थी है, ठीक है। और नेहा द मॉनिटर ऑफ क्लास की क्या है, ये क्या कहलाता है, नेहा क्या कहलाएगी, एंटीसीडेंट। द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास ये क्या कहलाएगा कि इन एपोजिशन कहलाएगा और नेहा क्या कहलाएगी, एंटीसीडेंट कहलाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपोजिट क्लास जो क्लॉज जो होता है वो क्या होता है कि जो नाउन क्लॉज किसी नाउन के तुरंत बाद शुरू होता है और उसकी व्याख्या करता है तो वो पहले आए हुए नाउन का एपोजिशन में या समानार्थी होता है। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द र्यूमर वॉज रॉन्ग, ठीक है, द थीव्स वर किल्ड। द र्यूमर वॉज रॉन्ग, र्यूमर यानी अफवाह, गलत है। कौन सी अफवाह? दैट द थीव्स वर किल्ड, है ना, दैट क्लॉज चलेगा यहाँ पर। देन हम कैसे लिखेंगे, द र्यूमर, ठीक है, ये एक नाउन है, ये पूरा दूसरा नाउन है, इसको नाउन क्लॉज बना करके इसके र्यूमर के इन एपोजिशन लिखेंगे। द र्यूमर दैट द थीव्स वर किल्ड वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो द र्यूमर ये एंटीसीडेंट है, दैट द थीव्स वर किल्ड ये क्या है, ये है आपका इन एपोजिशन टू द र्यूमर और वॉज रॉन्ग। द र्यूमर दैट द थीव्स वर किल्ड वॉज रॉन्ग, तो ये हमारा सेंटेंस बना है एपोजिट केस में और ये भी सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स। द न्यूज़ इज ट्रू ही डाइड, तो न्यूज सही है, क्या न्यूज है, क्या न्यूज है, ही डाइड, उसकी डेथ हो गई। तो हम इस इन एपोजिशन को इस एंटीसीडेंट के पास में लगाएंगे, द न्यूज कॉमा दैट ही डाइड इज ट्रू। तो द न्यूज इज ट्रू ये प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही डाइड इन एपोजिशन क्लॉज है और किसका एंटी, किसका ये एपोजिशन है, द न्यूज का, और द न्यूज इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। तो अब यहाँ पर सेंटेंस कैसा बना हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, इतने अच्छे एग्जाम्पल हैं कि आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द फैक्ट इज एक्सेप्टेड बाई ऑल, तो सच को सब ने स्वीकार कर लिया, कौन से सच को, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि अर्थ जो है
वो सूर्य के चारों ओर मूव कर रही है। तो हम इस एपोजिशन को इस एंटीसीडेंट के पास में लगाएंगे, द फैक्ट कॉमा दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन सन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, ठीक है, इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो आप देखिए कि यहाँ पर द फैक्ट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन ये आपका इन एपोजिशन है किसके, द फैक्ट के। एंड द सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन फादर्स डिसीजन प्रूव्ड राइट, वी शुड गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन। तो फादर्स डिसीजन, फादर का जो डिसीजन था, क्या डिसीजन था फादर का, वी शुड गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन। तो फादर्स डिसीजन इस एंटीसीडेंट के बगल में इस एपोजिशन को लगाएंगे, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, फादर्स डिसीजन क्या था, दैट वी शुड गो बाय द ट्रेन, गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन, प्रूव्ड राइट। तो फादर्स डिसीजन ये हमारा एंटीसीडेंट है, इसको हम इस एपोजिशन के बगल में लगाएंगे। तो मेन क्लॉज द फादर्स डिसीजन प्रूव्ड राइट, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, एंड दैट वी शुड गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन, ये इन एपोजिशन टू द एंटीसीडेंट फादर्स डिसीजन हो गया, एंड द फाइनली सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। द मैक्सिम इज क्वाइट ट्रू, मैनर्स मेक द मैन, द मैक्सिम, मैक्सिम कौन सा मैक्सिम, मैनर्स मेक द मैन, मैक्सिम की व्याख्या कर रहा है ना। द मैक्सिम इस एंटीसीडेंट के पास में इसका हम इन एपोजिशन लगाएंगे, दैट मैनर्स मेक द मैन इज क्वाइट ट्रू। तो आप देखिए द मैक्सिम ये एंटीसीडेंट है, और द मैनर्स मेक द मैन ये क्या है, इन एपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर द मैक्सिम इज क्वाइट ट्रू, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, दैट मैनर्स मेक द मैन ये इन एपोजिशन टू द एंटीसीडेंट द मैक्सिम, एंड द फाइनली सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन इट्स अवर ड्यूटी, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, इट्स अवर ड्यूटी। अब देखिए ड्यूटी यहाँ लास्ट में है, हमारी ड्यूटी क्या है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तो हम इसको लास्ट में लगाएंगे, इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ओके, देन इट्स अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को ड्यूटी, ये जो दैट वी शुड ओबे आवर पेरेंट, ये जो इन अपोजिशन है, ये एंटीसीडेंट ड्यूटी को क्या कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा कि हमारी ड्यूटी क्या है। तो इट्स अवर ड्यूटी ये मेन क्लॉज हो गया, दैट वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स ये कौन सा क्लॉज हुआ, इन अपोजिशन टू एंटीसीडेंट ड्यूटी, ठीक है। तो फाइनली द सेंटेंस इज ए
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ये फोर्थ पोजीशन हुआ इन एपोजिशन. एंड लास्ट पर आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब पे, है ना. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब, यानी कि वर्ब कैसा है, इनकम्प्लीट है और उसकी उसको हमको कंप्लीट करना है. वर्ब के वर्ब जो है उस वर्ब को जो कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. जैसे हम कहें ही इज क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब है. तो वो है क्या है, वो ही इज अ डॉक्टर. तो इसके अर्थ को कंप्लीट करता है जो नाउन वो क्या है, ए डॉक्टर. तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनकम्प्लीट वर्ब इज. ठीक है, तो इस तरह से इनकम्प्लीट वर्ब अगर हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए जिस नाउन क्लॉज का यूज होता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनकम्प्लीट वर्ब. ठीक है, तो थोड़ी सी रूल्स को हम पहले देख लेते हैं. समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट नीड्स सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द सेंस ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब. जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर उसके फाइनाइट वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, फाइनाइट वर्ब. ठीक है, आते हैं हम फाइनाइट वर्ब पे. क्या होता है फाइनाइट वर्ब, ऐसा वर्ब जो कि टेंस बताता है, टेंस टेलिंग होता है. तो इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में है. तो ये फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि टेंस बताते हैं. तो नाउन क्लॉज इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में होता है. तो जो इनकम्प्लीट वर्ब हैं वो क्या क्या हैं, इज आर एम वॉज वर सीम अपीयर लुक बिहोल्ड मेक एक्स्ट्रा, ढेर सारे हैं ना, ये सभी इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं. दूसरा जो नियम ये है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का रूल चलेगा, लेकिन अगर सेंटेंस वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रूल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंस को फॉलो किया जाएगा. तो ये हम एग्जांपल में देखेंगे. तो द फैक्ट इज दिस, दिस को हटाएंगे. सबसे पहले जिसे हटाना है घेरते जाइए और जो ठीक करके लगाना उसको ठीक करते जाइए वहीं. द अर्थ इज राउंड, द फैक्ट इज, अब इसको हम नाउन क्लॉज बनाएंगे दैट लगा करके. ठीक है, इनकम्प्लीट वर्ब इज है, द फैक्ट इज, फैक्ट इज. अब ये फैक्ट है, क्या है फैक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, दैट द अर्थ इज राउंड. ओके, तो द फैक्ट इज ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट द अर्थ इज राउंड ये आपका नाउन क्लॉज हुआ. और किसका नाउन क्लॉज है, ये इनकम्प्लीट वर्ब इज के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे, इस नाउन क्लॉज को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब. नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज दिस, हु विल बेल द कैट. अब देखिए यहाँ से दिस को हटाएंगे, दिस दैट इट हटा दीजिए, है ना. द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, दैट नहीं लगेगा, हु है ऑलरेडी. क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट. ठीक, तो द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट, ये हमारा नाउन क्लॉज है.
और किसके अर्थ को कंप्लीट कर रहा है? इनकम्प्लीट वर्ब इसके अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? ये नाउन क्लॉज कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकॉम्प्लीमेंट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब। तो द क्वेश्चन इज, ये हमारा आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और हु विल बेल द कैट, ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब। और किस इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है? इसका। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इट सीम्स ही विल डाई, बहुत सिंपल है। इट सीम्स कैसा वर्ब है? इनकम्प्लीट वर्ब है। दैट क्लॉज लगा दीजिए, दैट ही विल डाई। अब आप देखिए, इट सीम्स ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही विल डाई ये क्या है? आपका नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज में ये जो नाउन क्लॉज है ये किसका काम कर रहा है? ये इनकम्प्लीट वर्ब सीम्स के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये जो नाउन क्लॉज है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इनकम्प्लीट वर्ब का काम कर रहा है। द प्रॉब्लम इज दिस, हाउ कैन वी रीच देयर इन टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस को हटाइए, बाकी एज इट इज लिखिए। द प्रॉब्लम इज हाउ, अब अफर्मेटिव बना दीजिए, हाउ वी कैन रीच देयर, हाउ वी कैन रीच देयर इन टाइम। ओके, तो द प्रॉब्लम इज ये आपका मेन क्लॉज हो गया। हाउ वी कैन रीच देयर इन टाइम ये क्या हो गया? ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। और क्या काम कर रहा है ये नाउन क्लॉज? ये नाउन क्लॉज क्या काम कर रहा है? इनकम्प्लीट वर्ब इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये किस चीज़ का काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, और फाइनली ये सेंटेंस कैसा बना हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। ओके, देन द क्वेश्चन इज दिस, डज शी नो द प्लेस। सिंपल, दिस को हटाइए, एज इट इज लिखिए। द क्वेश्चन इज डज शी नो द प्लेस। तो यहां पर डाउटफुल कंडीशन है, हम क्या यूज करेंगे? वेदर का। पहले बता चुके हैं कि अगर डाउटफुल कंडीशन है तो हम कंजंक्शन वेदर का यूज करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर शी डज और नो मिलके क्या हो जाएंगे? नोस द प्लेस वेल। ओके, द क्वेश्चन इज ये आपका मेन क्लॉज, वेदर शी नोज द प्लेस वेल ये आपका नाउन क्लॉज है। और एज ए नाउन क्लॉज क्या काम कर रहा है? इनकम्प्लीट वर्ब इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। सो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन द एलिगेशन वॉज दिस, एलिगेशन शिकायत ये थी, ही इज रिसीविंग फॉरेन मनी, वो विदेशी मुद्रा रिसीव कर रहा है ना। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर सेंटेंस में वॉज है और यहाँ पर सेंटेंस में इज है। जो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा बनेगा दिस हटा करके, ये पास्ट टेंस में है, तो हम सीक्वेंस ऑफ रूल के हिसाब से पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखेंगे। द एलिगेशन वॉज was that
ही वॉज। Receiving foreign money. Okay, तो the allegation was, ये आपका principal clause हो गया, that he was receiving foreign money. ये आपका noun clause हुआ और क्या काम कर रहा है, incomplete verb was के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है और सीक्वेंस ऑफ रूल के हिसाब से ये पास्ट टेंस में है, मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो नाउन क्लॉज को भी पास्ट टेंस में चेंज किया गया है। नेक्स्ट, द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल वॉज, दिस आप यहाँ लिख सकते हैं, चलेगा, है ना। व्हाट विल ही डू, तो दिस को हम यहाँ पे हटा दें और अगर नहीं है तो डॉट डॉट है, यानी कि वहीं लगेगा आपका नाउन क्लॉज। तो हम लिखे द क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल वॉज व्हाट ही विल वुड डू। तो हमारा जो मेन क्लॉज है, द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल वॉज, ओके। जो नाउन क्लॉज है, व्हाट ही वुड डू, ये है आपका नाउन क्लॉज जो क्या काम कर रहा है, इस इनकम्प्लीट वर्ब वॉज के अर्थ को पूरा कर रहा है। और ये जो नाउन क्लॉज है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के तरह काम कर रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर मेन क्लॉज में हमारा जो टेंस था वॉज था, तो हमने नाउन क्लॉज को भी पास्ट टेंस में अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ टेंस हमने विल को वुड में चेंज किया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द नाउन क्लॉज। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करिए और अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।